हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिप्स टू गेट मैक्सिमम माइलेज ऑफ योर व्हीकल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई एम निशांत एंड यू आर वाचिंग निस्टेक। अपने व्हीकल का मैक्सिमम माइलेज पाने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से पहला पॉइंट है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्सिमम माइलेज पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको इन अ वीक कम से कम एक बार जरूर अपना टायर प्रेशर चेक करना चाहिए, और किस व्हीकल के टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए वो उस व्हीकल के साथ आने वाले डॉक्यूमेंट्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। एक्चुअली ये फ्रेंड्स, ये अकॉर्डिंग टू साइज होता है, किसमें कितना प्रेशर होना चाहिए। होता क्या है फ्रेंड, अगर आपके व्हीकल का टायर प्रेशर कम है तो क्या होता है, वो चलते वक्त जो टायर एंड रोड के बीच में जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपका दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो हो सके तो वीक में कम से कम एक बार आप अपने टायर प्रेशर को ज़रूर चेक करवाएं और उसको कोशिश करें मेंटेन करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ व्हीकल। फ्रेंड्स, सडन एक्सेलेरेशन और सडन ब्रेकिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं। हमेशा अगर आपका अर्जेंसी, कोई ऐसा अर्जेंसी ना हो तो दोनों को अवॉइड करें। अगर हो सके तो अपने व्हीकल को टॉप गियर में ही चलाने का कोशिश करें। और दूसरा जो है दोस्तों, अपने व्हीकल को कोशिश करें 1500 to 2000 RPM पे चलाने का, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको आपके व्हीकल का जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाता है, जो कि जनरली जो स्पीड सफिशिएंट है। और इस स्पीड को अगर मेंटेन करके चलाते हैं तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो है टाइमली सर्विसिंग। सो हमें अपने व्हीकल की हमेशा टाइमली सर्विसिंग करानी चाहिए। जनरली जो फ्रेंड्स, जो सर्विसिंग में जो जो चेंज होता है वो होता है जैसे एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल। सो ये सारे जो पार्ट्स जो चेंज होते हैं, ये भी एक अच्छे माइलेज पाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इसे हमें टाइमली चेंज करना चाहिए। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है ओपन विंडो। व्हीकल चलाते वक्त अपने एक या सारे विंडो को ओपन करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने व्हीकल के अगर विंडोज़ को ओपन करके रखते हैं तो उस व्हीकल के इंजन को ज़्यादा पावर लगेगा किसी भी एक स्पीड को मेंटेन करने के लिए, कंपेरिजन टू अगर आप ऑल सभी विंडो को बंद करके रखे हुए हैं तो। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका व्हीकल का स्पीड मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर है तो जितना हो सके अपने विंडो को बंद करके चलाएं। पांचवा जो पॉइंट है वो है डोंट आइडल। फ्रेंड्स, अपने व्हीकल के इंजन को अननेसेसरी ऑन कर ना रखें। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, या आप ट्रैफिक सिग्नल पे हैं, या आप रेलवे गेट क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं पे भी 45 सेकंड से ज़्यादा अगर वेट करना है तो काइंडली अपने इंजन के व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ कर लें। और दूसरा दोस्तों, आप खड़ी गाड़ी में आप अपने एसी का यूज ना करें, क्योंकि ये बहुत फ्यूल कंज्यूम करेगा। सो हो सके तो एसी का भी यूज आप रनिंग कंडीशन में ही करें। और आजकल बहुत सारे गाड़ी में ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आ गया है। इस ऑप्शन को अगर आप में आपके व्हीकल में है तो इसे ऑन करके ही रखना चाहिए। ये कभी भी ट्रैफिक सिग्नल या कहीं पे भी कुछ सेकंड से ज़्यादा अगर गाड़ी आपका खड़ा रहता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और जैसे ही आप अपने एक्सेलेटर पे पैर रखते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ये भी एक अच्छा वे है। सिक्स नंबर पे जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है व्हीकल का वेट। जितना हो सके व्हीकल का वेट को कम रखें, जिससे आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा।
जनरली फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जो सपोज हमारे जो डिक्की में कुछ कुछ अननेसेसरी सामान रखा हुआ है, कभी कभी हम लोग क्या करते हुए उस सामान को रखा हुआ को हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं उसको कैरी कर रहे हैं अपने व्हीकल के साथ, वो आ रहा है जा रहा है जबकि हमारा उसका यूज नहीं है। तो ऐसा अगर कोई अननेसेसरी सामान आपके डिक्की में रखा हुआ है तो उसको काइंडली खाली कर लें। और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है जब हम लोग अपने फ्यूल टैंक को भरवाने जाते हैं तो बहुत किसी किसी कोई कोई पर्सन का हैबिट होता है कि हमेशा फुल टैंक मेंटेन करने के लिए। तो जनरली फ्रेंड्स होता क्या है, जो व्हीकल का वेट है, जनरली जो व्हीकल का जो फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी होता है 40 लीटर या उससे ज़्यादा होता है। अगर हम लोग फुल टैंक अगर हमेशा व्हीकल को फुल टैंक करके रखते मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, व्हीकल का जो वेट है उसमें जो पैसेंजर है वो तो रहेगा ही, और उसमें जो एडिशनल हो जाता है 40 लीटर हमेशा ऐड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो वो फ्यूल हमेशा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही कंज्यूम करेगा क्योंकि ये 40 kg उसमें ऐड हो जाता है। सो हो सके तो फ्रेंड्स हमेशा अगर आपका कैपेसिटी 40 लीटर है फ्यूल टैंक का तो 10 लीटर से ऊपर रखें, जिससे कि आपको ये भी एक अच्छा रोल प्ले करता है अच्छी माइलेज पाने में। आखिरी जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है यूज ऑफ एयर कंडीशनर इन योर व्हीकल। हम लोग जनरली फ्रेंड्स क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में एसी का तो यूज होता ही व्हीकल में। सो अभी अगर आप हाई सेटिंग्स पे अगर अपने व्हीकल में एयर कंडीशनर का यूज करते हो तो ये बहुत ज़्यादा तेल कंज्यूम करता है। सो ऐसे जनरली हम लोगों ने एक बार चेक किया था तो मैंने नोटिस किया कि ये विदाउट एसी ये 30% ज़्यादा माइलेज हमें मिलता है। सपोज अगर आप एक विथ एसी अगर चलते हैं, अगर आप फुल टैंक आपने डाला है तो अगर आपको 500 किलोमीटर मिल रहा है तो विदाउट एसी आपको 600 to 630 या 650 किलोमीटर आपको मिलेगा विदाउट एसी। तो जितना हो सके फ्रेंड्स कंटिन्यूस एसी का यूज ना करें जहां अगर आपका ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग निस्टेक। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।